हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथ यहाँ हम आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक 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 क्विक। और इस रीडिंग में सिर्फ हम जानेंगे आपके सिर्फ दो सवालों के जवाब, और आपके माइंड में जो भी दो सवाल हैं आप उनके बारे में सोच सकते हो। बिफोर आई डाइव इन टू द रीड, सिर्फ इसमें हम आंसर्स जानेंगे। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड नहीं करेंगे, टैरो भी ऐड नहीं करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल वीर है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच कर रही हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और लीव द रेस्ट पर्सन। रीडिंग्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप अपना पहला सवाल सोच सको और फिर हम उसके बाद कार्ड्स पुल आउट करेंगे। लेट्स सी क्या है जवाब आपके सवाल का। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी आपका सवाल है, जो भी आप चाह रहे हो, एक साल के बाद चीज़ें हो सकती हैं, उस सिचुएशन में जा सकती हैं, आपके फेवर में हो सकती हैं। आपका जो भी सवाल था, चाहे करियर से रिलेटेड था, लव लाइफ से रिलेटेड था, उस चीज़ को होने में, जो आप चाहते हो उसको होने में एक साल लग सकता है। एक और कार्ड देखते हैं इसी सवाल के आंसर में। फॉरगिवनेस, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं आपकी लाइफ में इस सिचुएशन से रिलेटेड। सो उसमें फॉरगिव एंड फॉरगेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगी कि कोशिश करो कि अपने आप को किसी भी इंसान को लेकर, जैसे अगर काम से रिलेटेड है तो जेलसी नहीं आनी चाहिए आप में, या फिर एनवियस एनर्जी नहीं आनी चाहिए। मतलब अपने आप को क्लियर रखो, अपने आप को यू नो स्पेशली कामिक अगर कोई चीज़ हुई है तो उससे अपने आप को फ्री करने की कोशिश करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक साल के बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इन दैट सिचुएशन। जॉब मिल सकती है, पर्सन मिल सकता है, लव लाइफ इंप्रूव हो सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं, आपका आपके फेवर में चीज़ें जाना शुरू हो सकती हैं एक साल के बाद। सो ये था आंसर आपके पहले सवाल का। अब आप दूसरे सवाल के बारे में सोच सकते हो एंड आई विल बी पुलिंग आउट द कार्ड्स फॉर दैट। लेट्स सी कि क्या जवाब है आपके सवाल का। एक्चुअली मुझे इनमें से कार्ड्स लेना है। लेट्स सी, हैप्पी बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग अप फॉर यू। जो भी सवाल है आपका आपके लिए फेवर में, उसका जवाब है, चाहे वहाँ है या ना है। जैसे आप जानना चाहते थे कि यू नो अच्छा एक चीज़, कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि अगर आपके फेवर में चीज़ें भी नहीं भी जा रही हैं तो आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। आपको इसमें पॉजिटिव यू नो एनर्जी अपनी ज़िंदगी में फील होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। बी असर्टिव, मुझे लगता है कि आपकी डेडिकेशन जो है वो रहनी चाहिए और चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। आपकी आपका एफर्ट, आपकी आपको आपका एफर्ट जो है वो एक्नॉलेज होगा उस सिचुएशन को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन उसमें आपको अपना अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है, उसमें आपको गिवअप करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे उस सिचुएशन में जो आप डिज़ायर करते हो, आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।